नमस्कार, क्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज प्रदेश में हैं। इस प्रदेश में पुत्र विकास और जनता विनाश का मॉडल चल रहा है। अमित शाह को कहना है कि जुमलों से कुछ नहीं होगा, धरातल पर भी काम करना होगा। उन्होंने अमित शाह के पुत्र की कंपनी और कम समय में होने वाले फायदे पर जमकर निशाना साधा। पनामा पेपर में जब नाम प्रकाशित हुआ तब लोगों को बताया गया कि वह तो अभिषेक या अभिषेक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तमाम भ्रष्टाचारों की अनदेखी, धृत राष्ट्र के अंधेपन को भी फीका कर दिया है। और कई नाम प्रकाशित हैं, तो जब इन प्रकाशित नामों के ऊपर चर्चा हुई, उनके एड्रेस आपके पास है, क्वेस्ट हाइस का एड्रेस है वर्जिन आइलैंड्स में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, इत्यादि इत्यादि, तो आपको बताया गया कि साहब वो तो कोई अभिषेक था, अभिषेक सिंह नहीं था। और उसके बाद दुनिया भर के विषयों और व्यक्तियों में इंक्वायरीज हुई, जवाबदेही हुई, लेकिन इनकी इंक्वायरी का कहाँ रुक गई, क्या हुआ देश और प्रदेश नहीं जानता। आज तक आपको माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय प्रधानमंत्री का ऐसा अंधापन नहीं दिखा जो धृतराष्ट्र के अंधेपन को बहुत फीका दिखा देता है। यह अंधापन धृतराष्ट्र के अंधापन को फीका बता दिया था। यहाँ बेशर्मी की सीमाओं को लांघा जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान है पीएम मोदी की चुप्पी है। चुनाव के समय जानबूझकर रामजी के नाम से राजनीति की सस्ती रोटी सेकी जाती है। भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं। उनका इस प्रकार से अपमान करना चुनाव के वक्त अपनी सस्ती राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए, इससे बड़ा घोर पाप क्या हो सकता है। For more information, log on to www.clips.in.